मेरे किसान लोगों ने मारने की कोशिश की है, दबाव बना रहे जबरदस्ती। अरे शामली में ऊर्जा निगम अधीक्षण अभियंता कार्यालय में बड़ा हंगामा हो गया। भाक्यू यानी कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी 21 जुलाई को किसानों की समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना दे रहे थे। इसके बाद अधीक्षण अभियंता रामकुमार से वार्ता शुरू हुई। किसान नेताओं ने ये रोष व्यक्त किया कि बिना अनुमति ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। जिन किसानों ने मीटर उखाड़ कर ऊर्जा निगम यानी कि बिजली महकमे को सौंपे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर अधीक्षण अभियंता ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार काम हो रहा है, ट्यूबवेलों पर फ्री बिजली का हमारे पास कोई आदेश नहीं है, इस बारे में सरकार के आला अफसरों से बात की जाए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। गहमा गहमी बढ़ी और भाक्यू ने तालाबंदी की चेतावनी दी। इस दौरान अचानक से अधीक्षण अभियंता रामकुमार कुर्सी से नीचे गिर गए और फिर बाहर चले गए। अपनी गाड़ी में बैठकर आरोप लगाया कि किसान लोगों ने मारने की कोशिश की, दबाव बना रहे हैं जबरदस्ती। अधीक्षण अभियंता भाक्यू के नेता कपिल काठियान पर मौत का जिम्मेदार होने का आरोप भी लगा रहे हैं। यह मामला शामली ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए वीडियो। आपको दिखाया अभी फोटो वीडियो, आपके अधिकारियों में आपके बनता हूँ तो आपकी जिम्मेदारी होगी। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। कपिल काठियान मौत के जिम्मेदार हैं। यार कोई बारे में चुप रखो तो समझो अरे तो ड्रामा कर रहे वो जो ड्रामा कर रहा सलीम है गाड़ी लेके। सर क्या हुआ है आपके साथ? सर सर क्या हुआ है आपके साथ? हम मेरे किसान लोगों ने मारने की कोशिश की है, दबाव बना रहे जबरदस्ती। अरे बैठा बैठा जल्दी गाड़ी को स्टार्ट कर, डॉक्टर के कपिल घाटियान, कपिल घाटियान फौजी। बैठो जल्दी बैठ बैठ ठीक है